ब्रेक के बाद बात करेंगे अभी नंदन के हवाले से। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन, दैट इज फैंटास्टिक। पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा भंगड़े शंगड़े। भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और द टी इज फैंटास्टिक, ये तो खैर कॉफी है पर कोई बात नहीं, द टी इज फैंटास्टिक। पहले इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। 100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते, रहते सुअर ही। और पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को बकायदा तिगनी का नाच नचा दिया। तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा ये करा और अपनी मर्दानगी का सबूत दिया पाकिस्तानियों ने कि देखो हम इतने सारे हैं, हम मिलके एक अकेले हिंदुस्तानी पायलट को मार सकते हैं। ये इनकी पाकिस्तानियों की मर्दानगी की। अच्छा, ये वो दिन है जब पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया। और कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा। और अभिनंदन नामी एक पायलट को गिरफ्तार करके बुजदिल दुश्मन को बताया कि रात की तारीकी हो या फिर दिन का उजाला, पाक फौज के जवान और फजाइया के चाको चबन पायलट दुश्मन के मजमूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार। आप जरा अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को संभालिए, जहाँ पर रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको नचा रही है टेबल के ऊपर घुंघरू पहना के, क्रैक हंटर मारा चम चम चम, पाकिस्तान नाच रहा है, जरा उसको तो संभालो यार। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ है। ईमान तक्वा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो सिपासालार, वो गाजी, वो मोमिन, वो फलाना, वो ढिमका है जी, उसकी टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये औकात है पाकिस्तान तुम्हारी और तुम्हारे आर्मी चीफ की। अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है, किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा ऐसा की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफज़दा थे। तो क्यों इतना छूतिया है? शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दे, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। तुमसे ना हो पाएगा। अयाज सादिक साहब, साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिस हरकतों के लिए ये माहिर माने जाते हैं वही हरकत इन्होंने कर दी और वो है नीच हरकतें। क्यों? कि इन्होंने दुनिया का बहुत ही अजूबा काम कर लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया, इस तरीके से ये सेलिब्रेशन करते हैं। अबे साले, वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे घना, तो वो के वही हालत इन पाकिस्तानियों के साथ में है। Yes. PSL के क्रिकेट मैच में टी ब्रेक के अंदर अभिनंदन की पिक्चर लगा दी और हिंदुस्तानियों का मजाक बनाने की कोशिश की। अच्छा, और इससे नेक्स्ट लेवल तो इनकी जो PSL की एक टीम ने उसने तो ट्वीट भी दाग दिया जहाँ पे हिंदुस्तानियों ने जम के क्लास लगाई। PSL का प्रसारण हिंदुस्तान में सोनी लीव करती है उसको भी बैन करने की मांग उठने लगी है। सही बात है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, PSL के पता नहीं कितने सीरीज हो गए, मैंने आज तक कभी भी कोई मैच नहीं देखा। मैच तो छोड़ो, मैंने कभी स्कोर भी जानने की कोशिश नहीं की, कौन सी टीम जीत रही है कौन सी हार रही है। फिर ये पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं कि हमें IPL में नहीं खिलाते, IPL में नहीं खिलाते, IPL में नहीं खिलाते, इंडिया की नेशनल टीम हमारे साथ मैच नहीं खेलती, हमारे देश में नहीं आती है, कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। तो कहाँ से होगा मेरे भाई, तुम्हारी हरकतें तो देख लो तुम। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक हो भी गया है तो इस मामले को छोड़ देना चाहिए, पहले हमारे पाकिस्तान आए तो सही, हम देखें इसको कितना प्यार करते हैं इंडिया वालों को। तुम अगर इंडिया को पॉक करने की कोशिश करोगे तो इंडिया वाले तुम्हारे को पेल देंगे, ये बात है। और पाकिस्तान की रेडिकलाइज आवाम की बातें तो सुनो। इस्लामाबाद और लाहौर के मैच के अंदर अभिनंदन को कॉल किया गया था कि टीम वाज फैंटास्टिक, क्या कहेंगे पाकिस्तान अपना इमेज दोबारा फिर इंडिया का डाउन कर रहा है? देखें जी, एज अ क्रिकेट फैन दिस इज दैट, यू नो, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, इस चीज़ को मेरे ख्याल में कंडेम करना चाहिए। और नहीं तो क्या, क्योंकि सियासत और क्रिकेट को साइड बाई साइड रखना चाहिए, साइड पर रखना चाहिए, साइड बाई साइड नहीं, क्योंकि आप जो नो इस तरह की चीज़ों पर इंडिया भी आए तो बहुत सारी चीज़ें वो भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में सियासत
उनको साइड पे रखें, क्रिकेट में ना वो करें, इन्वॉल्व करें, क्योंकि पहले भी हमारी देख लें काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं हो पा रही, सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में ही हमारे मुकाबले होते हैं, अदरवाइज़ हमारी जो एक प्रॉपर यू नो बाहमी सीरीज़ है दो ममालिक की वो नहीं हो पा रही। तो अभी फिर जो ये एक्ट किया गया, जो भी किया गया, ये ऑफेंसिव है एंड डेफिनेटली इंडिया वालों का बुरा मानना बनता है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यार ये देखो ये नेगेटिव जा रहा है हमारा पाकिस्तान का ना, क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव ही चल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, आपको सामने डिफॉल्ट पे जा रहा है मुल्क, और फिर हम ये रखते करेंगे तो कैसे टीम हमारी मतलब कि आपसे पैचअप होगा इनका, तो इनको चाहिए कि यार ऐसे ही रखते हैं ना, अगर ठीक है मजाक लैदा है, मीम्स एक लैदा कम्युनिटी है, लेकिन ये नहीं चाहिए कि दोबारा ना वो इनमें जो इखलाफात शुरू हों, क्योंकि अभी ठीक चल रहा है, आपके सामने बाबर भी मिलता है विराट को, विराट मिलता है बाबर को, सारी टीम्स आपको पता है, पैचअप बड़ा अच्छा चल रहा है, ये हरते करेंगे तो फिर वह मुखालफत होंगी, मुखालफत होंगी, इंडिया पहले एशिया कप खेलने नहीं आ रहा, तो आने वाले वक्तों में हमें दोस्ती होती नजर नहीं आ रही है। ऑलरेडी हमें भाईजान IPL में नहीं खिलाते, हम उनको PSL में नहीं खिलाते, और ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा फिर काम खराब होगा, और इनको चाहिए कि यार दोस्ती बढ़ाएं, टीमें मिल के खेलें ताकि हमारे मुल्क की दोस्ती बढ़े और आगे अच्छी अच्छी। अभी आप खुद देखें कि रमेंद्र राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एशिया कप अगर इंडिया पाकिस्तान में खेले नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर एक तरफ आप उनको अच्छा पैगाम दे रहे हो, दोस्ताना पैगाम दे रहे हो, दूसरी तरफ ये हरकतें करके उनको वरगला रहे हो, ये हरकतें कर रहे हो, अब सियासत पुनः ये चीज़ें अब गेम में क्यों आ रही हैं आपकी? गेम तो यार ऐसी चीज़ है, एक न्यूट्रल चीज़ है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया पसंद करती है, बहुत एक मज़ेदार मैच होता है, बहुत पब्लिक उनको देखने आती है, फेवरेट गेम है आज तक, जब से हम पैदा हुए आज तक आप खुद देखते आ रहे होंगे, बड़ा एक इनके दोनों में झगड़े वाला मैच होता है और झगड़ा वो गेम में नजर आ रहा होता है, विकेट लेके छक्के लगा के, और ये सियासत पुणे को और ये इन चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभिनंदन को फिर पाकिस्तान रोस्ट कर रहा है, लाइक इंडिया वाले तो यही सोच रहे होंगे कि ये दोबारा से ये वही कौम है जो कह रही थी कि इंडिया पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, तो क्या मैसेज दोगे पाकिस्तानी को जिन्होंने ये मीम चलाया है? यार इन्होंने अब अभिनंदन का जो ये मजाक बनाया है तो ये बनता नहीं था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ठीक है, और रमीज राजा ने जो बोला था कि वो नहीं आएंगे वो भी एक गलत ही स्टेटमेंट थी, उसके बाद तो इनको चाहिए था कि गिर जाते यार, नहीं वो हमसे एक गलती हो गई है, लेकिन अब हमारे हालात बेहतर हैं, उनको इम्प्रूव करके दिखाओ, इस तरह से अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर हमारे बच्चे पूछेंगे पापा वो अभिनंदन कौन है, तो ये चीज़ें 50 साल तक वो यहाँ खेलने नहीं आएंगे, तो इस तरह से लादे से चलते रहेंगे, हमें अब थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, गिर इस सेंस में जाना चाहिए कि एक एक बंदा को तो झुक जाना चाहिए ना, तो अपने हालात हम बेहतर करें ताकि वो भी आए हम भी जाएं तो वो चीज़ें बेहतर हों। पाकिस्तान ने लाइक अपना फिर से बैड इम्पैक्ट दिया, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? आने वाले दिनों में कुछ जल्द तो नहीं यू नो ऐसा लग रहा, बट होपफुल रहना चाहिए, हमारे दोनों अतराफ के जो जो सियासतदान हैं उनका कलीदी किरदार होगा, स्पेशली पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा सीरियस एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है, पहले पाकिस्तान में प्रॉपर हुकूमत है, पहले तो उसके लिए दुआ करें, और जब वो आएगी उसके बाद होपफुली यू नो जो यू नो यहाँ के लीडर हैं वहाँ के लीडर हैं बैठ के बात करें। अभी हम देखते हैं PM मोदी भी ये बारहा कहते हैं कि भाई हम किससे बात करें, कौन है पावर में, और हमें खुद को भी इस चीज़ का यू नो अभी रियलाइज होना शुरू हुई है चीज़ें कि पावर किसके पास होती है, तो या यहाँ पहले एक यू नो एक साजगार माहौल जब होगा डेफिनेटली इंडिया आएगा। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों को आप क्या रिप्लाई देना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उतार दीजिए, और वीडियो का टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक, मात्र 15,000 लाइक करवा दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।